अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं एहसान और आप देख रहे हैं एहसान इलेक्ट्रिक वर्क्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप किस तरीके से एक 12 वोल्ट रेगुलेटर बना सकते हैं, जैसे कि मेरे पास मौजूद है, आप इसको देख सकते हैं। इसमें सिर्फ आपको एक ट्रांजिस्टर की ज़रूरत पड़ेगी और एक वॉल्यूम की ज़रूरत पड़ेगी। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको हमारे हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। दोस्तों जैसे कि आप लोग इसको देख सकते हैं, इनपुट वायर है, ये आउटपुट वायर है। सबसे पहले मैं आप लोगों को इसको चेक करवाता हूँ किस तरीके से वर्क कर रहा है। सबसे पहले मैं इसके ऊपर मीटर को लगा लेता हूँ आउटपुट लाइन पर, इसको मैं एग्जांपल के लिए आपको चेक करवा रहा हूँ। उसके बाद आपको इसके ऊपर LED वगैरह भी जलाऊंगा जो कि आपको पता चल सके किस तरीके से वर्क कर रहा है। ये मीटर आपको जीरो दिखा रहा है, जैसे कि मेरे पास 12 वोल्ट लाइन है, आप इसको देख सकते हैं 12 वोल्ट लाइन जो है, आप स्पार्क नज़र आ रही होगी। इसको मैं टच कर ले रहा हूँ तो आप देख सकते हैं ये वोल्टेज को ऑटोमेटिकली बूस्ट कर देगा और कंट्रोल भी कर लेगा, यानी इसको रेगुलेट करेगा। आप जितना चाहे इससे वोल्टेज ले सकते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ये 1.5 वोल्ट दिखा रहा है, आपको नज़र आ रहा होगा। अब मैं इस वोल्टेज को बढ़ाऊँगा, किस तरीके से इसको बढ़ाया जा सकते हैं आप देख सकते हैं 3.7। इसी तरह आप वोल्टेज को अप डाउन कर सकते हैं आसानी के साथ। आप इसको देख सकते हैं जैसे कि 15 वोल्ट तक चला गया, 15 वोल्ट तक, 14 वोल्ट तक, आप इसको आसानी के साथ चेक कर सकते हैं। अब मैं इसके आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे कि इसके मैं LED जलाऊंगा, ये LED इस तरीके से जलाती है। दोस्तों मेरे पास ये LED लाइट है, आप इसको देख सकते हैं 5 mm की है। मैं इसको एक डायरेक्टली 12 वोल्ट पर चलाऊंगा, आप इसको देख सकते हैं डायरेक्टली इसको फ्यूज़ कर देता है, जैसे कि 12 वोल्ट लाइन मैंने चेक किया। अब आप इसको देख सकते हैं किस तरीके से ये इसको फ्यूज़ कर देता है, आप इसको देख सकते हैं लाइट कितनी जल्दी से फ्यूज़ हो चुका है। अब इसकी लाइट को जो है मैं 12 वोल्ट के रेगुलेटर पर चेक करवाऊंगा किस तरीके से इसको ऑटोमेटिकली ऑन कर देता है। आप इसको आसानी के साथ इसके ऊपर चला सकते हैं, जैसे कि मैं इसके ऊपर ये जला हुआ आपको नज़र आ रहा है, इसको साइड पे रख देता हूँ ये वाला, और दूसरा वाला जो लाइट है वो मैं रेगुलेटर पर चेक करवाऊंगा आपको किस तरीके से इसको चेक किया जा सकता है। और उसके बाद आपको मैं इस रेगुलेटर का डायग्राम भी दे दूंगा, आप इसको आसानी के साथ चेक कर सकते हैं। सबसे पहले मैं इस लाइट को इसके ऊपर अटैच कर लेता हूँ, आप इसको देख सकते हैं। सबसे पहले मैंने इस लाइट को, आप नज़र आ रहा होगा, इसको चेक किया और इसके ऊपर मैंने अटैच कर दिया। अब मैं रेगुलेटर को अप डाउन कर लेता हूँ, आप इसको देख सकते हैं। मैं इसको रेगुलेट कर लेता हूँ, ये लाइट को ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ, हाई और लो कर सकता है। आप इसके आसानी के साथ छोटे प्रोजेक्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरीके से इस रेगुलेटर के ऊपर आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स के कंपोनेंट को चेक करवा सकते हैं, 1 वोल्ट से लेकर 12 वोल्ट तक आप इसको इजीली यूज़ कर सकते हैं। इस रेगुलेटर का फ़ायदा यही है कि आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का जो भी पार्ट्स है वो ख़राब नहीं होगा और इसको आप इजीली यूज़ कर सकते हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स का जो सामान है वो भी आप चेक करवा सकते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक करें ताकि आप हमारी हौसला अफजाई हो सके और दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी कुछ फ़ायदा ले सके। दोस्तों अब मैं आपको ये डायग्राम शो करवा रहा हूँ, आपको नज़र आ रहा होगा। इसी तरीके से आप इसको आसानी के साथ बना सकते हैं अपने घर पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।